हेलो गाइज, वेलकम टू सिटीज डिजिटल एंड मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स पार्ट 8। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए तरीके से वीडियो बनाना, यानी कि अभी तक हमने सिर्फ फ़ोटो ऐड करके वीडियो बना रहा था, यानी कि हम लोग अभी तक फ़ोटो ऐड करके वीडियोज बना रहे थे, फ़ोटो से वीडियो। लेकिन अब हम लोग वीडियो से वीडियो बनाना सीखेंगे और वीडियो से वीडियो बनाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वीडियो ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ प्लस पे प्लस के आइकन पे क्लिक किया, फिर ये वीडियोज में डायरेक्ट रहता है। स्टॉक वीडियोज़ के बारे में आपको बताया ही था। अब यहाँ से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, जितना भी ऐड करके वॉइस अंडर नीचे से वॉइस ऐड करके आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मैं मोबाइल में जो स्नैपटिव से मैंने डाउनलोड किया है जो वीडियो, उसको ऐड करके उसको एडिट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा वीडियो। इसमें शुरू में जो मैंने लिखा मनु प्रताप ऑफिशियल प्रेजेंट, ये जो शुरू में लिखा हुआ है वो भी पावर डायरेक्टर से ही लिखा हुआ है। वो तो वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए, हटा के पहले मान लीजिए यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है ना, यहाँ कट कर देता हूँ मैं, वो लिख के आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो शुरू में ऐड करना है हम लोग को ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड में ब्लैक स्क्रीन रहना चाहिए। तो फोटोज में जाके कलर बोर्ड ब्लैक। अब हम लोग 2 सेकंड के अंदर कुछ भी 2 सेकंड के अंदर लिखवाना चाहते हैं, यानी कि जल्दी से लिखे फिर ये वीडियो शुरू हो जाए, ठीक है। मान लीजिए ब्लैक स्क्रीन इतना देर तक रहेगा, उसके बाद ये वीडियो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हैं, कोई भी अपने चैनल का ये प्रेजेंट वो प्रेजेंट कुछ भी। ये देखिए, लेयर में जाना है, फिर टेक्स्ट में आप क्या ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, अरे भाई कोई बढ़िया मिल जा गाइस, बढ़िया खोजने में दिमाग धजिया उड़ जाता है। ये देखिए, रेड वाला अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले से कस्टमाइज़ किया हो। बाद में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना तो। और ये देखिए, अगर मैं शुरू में लिखना चाहता हूँ, ये देखिए इसमें अपना डैश 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 फिर SHITIZ डिजिटल, ये देखिए। फिर यहाँ इसमें नीचे वाले में ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ है कि प्रस्तुति, नीचे लिखेगा कि प्रस्तुति जस्ट फॉर प्रैंक गाइस, प्रस्तुति सिटीज डिजिटल की प्रस्तुति, आप देख रहे हैं सिटीज डिजिटल की प्रस्तुति। तो देखिए, इसको भी छोटा कर देते हैं जितना देर तक ब्लैक स्क्रीन रहेगा, उसके बाद प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, सिटीज डिजिटल की प्रस्तुति। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो है यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं कुछ मस्त ऐसे, देखिए जूम होके, नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, फेड ब्लर वाला कैसा लगेगा देखिए। ओह भाई, ओह कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा लगा। ये देखिए, अगर ऐसे चेंज होगा तो कैसा लगेगा। ओह हाँ, ये मस्त लग रहा है। ये देखिए, क्षितिज डिजिटल की प्रस्तुति, फिर ऐसे चेंज होके वीडियो शुरू होगा। अब ये शुरू वाला तो बनाना आप सीख गए। देख लीजिए, मान लीजिए टेक्स्ट कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही स्टाइल आप ऐड कीजिए। इसलिए इधर से टेक्स्ट में जाके नॉर्मल ये डिफ़ॉल्ट ऐड कीजिए, नॉर्मल कुछ भी ऐड कीजिए। मान लीजिए नॉर्मल ऐड करके मैंने नॉर्मल ऐड किया, इतना छोटा कर दिया ब्लैक स्क्रीन इतना, एडिट टेक्स्ट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नहीं हुआ, ये म्यूजिक का चैनल थोड़े है, म्यूजिक उब, ठीक है। मैंने म्यूजिक उब लिख दिया, अब ये म्यूजिक उब की प्रस्तुति हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको टेक्स्ट डिजाइनर, या टेक्स्ट डिजाइनर जो दिख रहा है ना, टेक्स्ट डिजाइनर में आप जाइएगा, फॉन्ट में आइएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल चूज करके किसी भी स्टाइल में देख लीजिए। यहाँ पर इतना सारा स्टाइल है कि आप देखते रह जाएंगे। ये चाइनीज़ में भी है, ये सारा बहुत सारा है, डाउनलोड करके देखते रहिए। इधर डाउनलोड नहीं है,
बहुत सारा है, बहुत सारा। अरे भाई हाउ कैन आई कस्टम फॉन्ट, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा अगर आप लोग बोलिएगा तब, क्योंकि ये इस कोर्स के अंदर नहीं आता, ये बाहर यानी कि बाहर ही से हेड करने का है, इसके अंदर का नहीं है। तो वो अरे भाई ये कहाँ पहुँच गया, मैं उस पर क्लिक कर दिया हूँ मैं गलती से। वेट गाइस, मेरा मोबाइल थोड़ा सा ठिया आ गया है। कटो कटो, कट हो गया गाइज। तो चलिए ये देखिए, यही डिज़ाइन लिखा हुआ आ गया। ओहो ये देखिए ये डिज़ाइन, लेकिन इसको एनिमेशन में लाना है, एनिमेशन में यानी कि स्टाइल से थोड़ा लिखे। ये तो टेक्स्ट डिज़ाइन करके ऐसे स्टाइल कर दिए, फॉन्ट फॉन्ट में गए, फॉन्ट से स्टाइल बदला जाता है। बहुत सारा है, आप कोई भी ट्राई कीजिएगा, पहले इतना ट्राई कीजिएगा, फिर कस्टम फॉन्ट वाला भी वीडियो में ला दूंगा, ठीक है ना। इसमें से जैसे मान लीजिए मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये हो गया ये, ठीक है। टेक्स्ट अब इसका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो आप जो भी चाहें वो कलर कर सकते हैं, आपके मतलब जैसे भी बनाइए कि अच्छा लगे। ऑप्टिसिटी मतलब होता है कितना दिखेगा, कितना गहरा, गहरा नहीं यानी कि उसका डार्कनेस कितना रहेगा। ऑप्टिसिटी यानी कि, अरे भाई मेरे को शुद्ध हिंदी नहीं आता है, ऑप्टिसिटी मतलब कुछ नहीं, यहीं देख लीजिए, देखने से आपको पता चल जाएगा कम करने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बहुत सारा दिख रहा है, ये सब का है आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। ये कीजिएगा तो डायरेक्ट बीच में आ जाएगा। अरे भाई आना आना, हाँ ये कीजिए, वो ऐसे है ना इसलिए बीच में नहीं आ रहा है, इसे बीच में है। और ये जो है ये बोल्ड है, बोल्ड आपको ईमेल लिखने आता है, ईमेल में बी का एक ऑप्शन रहता है ना, जिससे बोल्ड हो जाता है, डार्क हो जाता है, बोल्ड बोल्ड। मेरे को शुद्ध हिंदी नहीं आता है, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आई कीजिएगा तो थोड़ा तिरछे हो जाएगा, आई पे क्लिक कीजिएगा, बी से बोल्ड, आई से तिरछे, आई से तिरछे, बी से बोल्ड, बोल्ड तिरछे, बोल्ड तिरछे, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं अभी। ग्रेडियंट मतलब आप समझते हैं, ये तो कलर हो गया नॉर्मल एक कलर का, ग्रेडियंट मतलब दो कलर मिक्स, कलर मिक्स। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, एक पे एक मुफ्त है, ये देखिए ये देखिए, एक कलर के साथ एक कलर मुफ्त। अब कोई भी जो भी मस्त लगे वो ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट मतलब हो गया दो कलर का मिक्सचर, जो भी आपको मस्त लगे वो कलर कर लीजिएगा। बॉर्डर में आते हैं, अगर इसको बॉर्डर ऐड करना, बॉर्डर ऐड करना हो तो देखिए साइज, बॉर्डर यानी कि इसके ऊपर से एक, वो तो हिले है, उसके ऊपर से एक बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर उसके किनारे किनारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए ऐड करना हो तो बॉर्डर में जाके वो ऐसे ऐड कर लीजिए बॉर्डर। ऑप्टिसिटी मतलब आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मेरे को शुद्ध हिंदी नहीं आता है इसीलिए नहीं बता सकते बढ़िया से। साइज हटा दीजिए, मेरे को बॉर्डर ऐड नहीं करना, बॉर्डर टू भी है, अरे वाह। यानी कि पहले बॉर्डर वन ऐड करेंगे, ये देखिए पहले ऐड कर लेते हैं, ऑप्टिसिटी फुल कर देते हैं। अरे भाई बढ़िया नहीं लग रहा है, कहा है उतने बॉर्डर वाला ठीक रहेगा, ठीक है। इस कलर का बॉर्डर टू में इसके ऊपर से भी, अरे नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कहा है, ये कहा है नहीं हो रहा है भाई, वाह। ये भाई बोल रहे हैं कि नहीं होंगे, चलिए इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, थोड़ा जांच पड़ताल करके। हम भी पहला बार देख रहे हैं कि बॉर्डर टू कहाँ से टपक आया। छोड़िए मेरे को बॉर्डर नहीं ऐड करना था, इस पर हम क्लिक कर दिए शैडो, शैडो मतलब हाँ शैडो हुआ होगा। अब कौन कलर का शैडो यानी परछाई, ये देखिए ये देखिए, वाह क्या बात है, उसका परछाई आ गया। अब जो भी कलर का आपको शैडो ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ये देखिए ये देखिए, इसे कोनो बढ़िया नहीं लग रहा है मेरे को, कहे कि ऊपर उसका कलर ठीक नहीं किया, मन से नहीं बना रहा है ना, इसीलिए मन से बनाएंगे, मन धन से। डिस्टेंस कितना दूरी पे रखना चाहते हैं, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ब्लर, अरे भाई पहले रखेंगे हिले नहीं, डिस्टेंस इतना दूरी पे हम लोग रखते हैं, चलिए ठीक है, इतना दूरी पे। अब इसको ब्लर कर देते हैं, ब्लर मतलब समझ रहे हैं, शैडो ब्लर, जैसे आपको अच्छा लगे कर दीजिए। ऑप्टिसिटी मतलब हम बता ही रहे हैं पहले, अब हम नहीं बताएंगे भाई, वाह। अरे भाई का है तुम गड़बड़ा रहा है, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, लग रहा है कि अरे रे रे रे। चलिए वो छोड़िए, ये तीनों के बारे में समझ गए, जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, बोर हो जाएंगे आप लोग भी ना, इसीलिए बॉर्डर हो गया, साइडों में भी आप सब समझ गए, फुल साइडो को बताना भूल गए। अरे फुल साइडो मतलब ये होता है, हमको भी नहीं पता था, देखिए फुल साइडो मतलब भाई डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस नहीं घटाना है, ब्लर घटाना है, ब्लर, ओ फुल साइडो मतलब हाई हो जाता है, ठीक है ना, हाई देखिए, हाई साइडों का कलर चेंज करके दिखाते हैं, हाई हो जाता है, हाई
पीला मतलब हाई 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 समझ गए ना, फुल साइड मतलब हटा देते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा, ब्लर कर देते हैं फुल। वो बड़ी मस्त था ना, उजर कलर का था तो। अरे भाई जैसा ब्लर हो गया ना उतना ना होता नहीं ठीक लगेगा। चलिए ठीक है बैक कर देते हैं। अरे मज़ा नहीं आ रहा है, बढ़िया से एनिमेट होके खुलेगा तब ना, इसीलिए टेक्स्ट एनिमेशन या एनिमेशन इस पर क्लिक कीजिएगा तो एनिमेशन आपको दिखेगा, एगो एनिमेशन नाम का बंदा दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा इन एनिमेशन, यानी कि जब ये टेक्स्ट आएगा तो कैसा एनिमेशन रहेगा। ये देखिए फेड होके ओपन होगा, फेड हो ना भाई, हाँ देखिए फेड होके ओपन हुआ ना, फेड फेड यानी कि पहले नहीं रहेगा फिर धीरे धीरे ऐसे आएगा, फिर देखिए पॉप अप पॉप अप पॉप अप ये होता है। अब जो भी यहाँ से आप अलग अलग करके ट्राई कीजिएगा, हम कितना करके दिखाएं आप लोग को। ये देखिए नीचे से कहीं से आ रहा है, एकदम लग रहा है कि इसका इसका आज़ादी कोनो मतलब गुलाम हो गया है लग रहा है इसे। फिर अरे एनिमेशन में थे ना हम लोग, इन एनिमेशन में कोनो लगा दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए बहुत सारे एक करके दिखाएंगे तो आप समझ रहे हैं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। फिर आउट एनिमेशन, ये तो मान लीजिए आने के लिए हैसे आया एकदम सलमान खान बन के, तो जाएगा कैसे ससुरा खान सर का कॉपी किए हैं ससुरा ससुरा। सो डू नॉट मैटर इट नाउ, लेट्स बिगिन द वीडियो, यानी कि कंटिन्यू द वीडियो। अब जाएगा कैसे, तो जाएगा हैसे, देखिए जा आया हैसे एकदम सलमान खान बन के। अरे चल गया ऊपर पड़े, नीचे से आया ऊपर पड़े चल गया, हमको ऊपर पड़े नहीं रखना है, ब्लेंडिंग में चल रहा है टेक्स्ट एनिमेशन में, हमको आउट में रखना है। कैसे से जाएगा ऐसे, कैसा लगेगा देखे तो, ऐसे देखिए ऐसे जाएगा मेरा वाला, नहीं ऐसे जाएगा, देखते हैं ये कैसे जाता है, ऐसे जा रहा है। आहा अब ना मस्त लग रहा है, देखिए नीचे से आया एकदम सलमान खान बन के ऐसे चला गया, वीडियो को शुरू कर दिया। ठीक है ये सब टेक्स्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट के फीचर में आप टेक्स्ट में कैसे कैसे वीडियो के ऊपर अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो उसमें क्या क्या फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब ये आपको समझ में आ गया, एडिट टेक्स्ट डीजी टेक्स्ट डिजाइनर बैकड्रॉप, ये बताना बाकी है ना। अरे 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 ये क्या बोल रहा है, अप्लाई दिस बैकड्रॉप विल रिमूव इन आउट एनिमेशन, डू वांट टू कंटिन्यू, ओह हमको नहीं कंटिन्यू करना है, बोल रहे हैं ना कि इनेबल करेंगे ना तो हम जो ऊपर सलमान खान जैसा आ रहा है उसको हटा देगा, और जैसे जा रहा है भ्रूम भ्रूम करके वो उसको भी हटा देगा। चलिए रिमूव कर देते हैं तभी ना आपको बताएंगे ये क्या है। तो ये देखिए क्या है, बैकड्रॉप में यानी कि बैकग्राउंड में ऐसा आ जाएगा। ये देखिए जौन कलर का रखना चाहेंगे वो टेक्स्ट के बैक में वो कलर का आप रख सकते हैं। ये देखिए हमको ब्लैक रखना है, ब्लैक ही रखना है, ब्लैक तो बनाए थे पहले से, ब्लैक था रॉ लाल, ये सब भयानक लग रहा है भाई। हाँ ये देखिए ये थोड़ा भकुंड लग रहा है। अच्छा ये क्या है, अरे ये मतलब हाई है, ऊपर नीचे जा रहा है, बड़ा ऊपर नीचे जा रहा है ये तो। हाँ मतलब वह होता है ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, आप जो चाहे कर सकते हैं, ये सब पेड़ पर करते रहिए। रेक्टेंगल रखना है, राउंड रखना है, इलिप्स रखना है, बो क्या है बार रखना है, आप ऊपर नीचे ही सब पेड़ पर करते रहिए, सब समझ जाइएगा। हम क्या बताएं आप लोग को, अपने से पेड़ पर कीजिए, देखिए सब समझ जाइएगा। एक को ट्राई कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ, डुप्लीकेट, अरे डुप्लीकेट हो गया बा, बेकार लग रहा है लेकिन ना। चलिए देखिए वीडियो ऐसे शुरू होता है, वो हमारा हटा दिया वह ठीक था भाई, इसके बारे में बताए थे ना आपको इसके बारे में ये तो ये देखिए ये बुक मेरा वह ठीक था, मेरा वह ठीक था, मेरा वह ठीक था, अरे भाई वह है ना, हाँ बहुत पहले मेरे को लेकर चल गया। चलिए छोड़िए ये सब के बारे में आपको पता चल ही गया। ट्रांसफॉर एनिमेशन ये तो इसका पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे है, मतलब कौन जगहिया पे खड़ा है, हेजा है कि बीच में है, ट्रांसफॉर की फ्रेम में। ठीक है अब हम मेरे को लगता है सारे के बारे में बता दिए। स्प्लिट के बारे में आपको पता ही है कि इसको बीच में से तोड़ना होता है, इसे टूट दिए फिर इसको बीच में लगाना हो कहीं वीडियो के बीच में। ठीक है इसको हेजा लगाना है, कौन सेकंड है 12 सेकंड में, एक हेजे शुरू में रहेगा इतना देर तक, अरे भाई हेजे तक रहो इतना देर तक, इसको बढ़ा दीजिए इतना देर तक शुरू में रहेगा, फिर वीडियो में हेजा आएगा ना तो हेजा खाली लगाना चाहते हैं, हेजा नीचे बड़े जगह दिखाए तो हम बड़े जगह दिखाए कि सबको पता चल जाए। ऐसे ऐसे पता
चलिए चलिए, बहुत हो गया इस वीडियो में। अब अगले पार्ट में आगे का जो भी प्रोसेस है यहीं से आपको दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा।